बेंगाबाद दुर्गा मंदिर में शारदीय नवरात्र के साथ दुर्गा उत्सव प्रारंभ। बेंगाबाद दुर्गा मंदिर में 67 वर्षों से हो रही है दुर्गा पूजा। बेंगाबाद दुर्गा मंदिर की आस्था दिनों दिन बढ़ती जा रही है। उक्त मंदिर में 67 वर्षों से पूजा होती चली आ रही है। बता दें कि इस दुर्गा मंदिर में सबसे पहले शुरुआत कार्तिक नारायण बक्सी ने पूजा प्रारंभ की थी। आज पूजा समिति के सदस्यों ने जिम्मेदारी उठा ली है, जो पूरी श्रद्धा के साथ धूमधाम से पूजा अर्चना की जाती है। दुर्गा पूजा को लेकर बीते 26 सितंबर से ही पूरी वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ वहाँ महापंडितों द्वारा नवरात्रा का पाठ प्रारंभ हो गया। इस नवरात्रा में पंडित अनिल किशोर पाठक आचार्य, प्रकाश तिवारी और सुरेश दुबिक दुर्गा पाठ में जुटे हैं। वहीं इस मौके पर पूजा समिति के अध्यक्ष विजय सिंह ने कहा कि इस साल 2 सालों के बाद पूरे हर्षोल्लास के साथ दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। इसके लिए पूजा समिति के सदस्य अपनी भागीदारी में जुटे हुए हैं। नवरात्र के साथ ही पूरी बेंगाबाद के श्रद्धालु भक्तिमय में डूब गए हैं। नवरात्र की प्रारंभ होते ही माँ दुर्गा की आरती हवन पाने के लिए श्रद्धालुओं की जत्था आए दिन रोज उमड़ रही है। दुर्गा मंदिर के अलावा बेंगाबाद चौक के इर्द गिर्द भी लाउड स्पीकर लगा दिया गया है, जहां सुबह शाम भक्ति की आराधना गूंज रही है। इधर इस संबंध में आचार्य प्रकाश चंद्र त्रिवेदी, जजमान प्रतिभूत अनिल किशोर पाठक और सहयोगी पंडित सुरेश दुबे बताते हैं कि सप्तमी में 9 पत्रिका प्रवेश होगी, वहीं रात में मां की पट खुलेगी। अष्टमी में भगवती सिंगार, कुमारी कन्या भोजन, ब्राह्मण भोजन, कुसुमान मलि हवन के साथ पूर्णाहुति कार्यक्रम संपन्न होगी। इधर इस संबंध में पूजा समिति के अध्यक्ष विजय सिंह बताते हैं कि पूरी श्रद्धा के साथ नवरात्रा हो रही है और इस मौके पर समिति के सदस्यों की जिम्मेवारी भी बखूबी दी गई है। बेंगाबाद प्रशासन की काफी सहायता मिलती है। इधर इस पूजा को सफल बनाने में अजय राम गुप्ता, पंचायत समिति सदस्य के प्रतिनिधि प्रवीण राम, अनिरुद्ध राम, पवन सिंह, निवर्तमान प्रमुख राम प्रसाद यादव, रामजी पंडित, राजेश शर्मा, रामलाल मंडन, मोहन रवानी, रामचरित पांडे, विजय सेठ, मनोज राम सहित पूजा समिति के कई सदस्य शामिल हैं। नमस्कार, आज के चित्र में आज गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड में बेंगाबाद मेन चौक पे ही माँ दुर्गा की जो अभी नवरात्र की महीने चल रहा है और यहाँ पर श्रद्धालु लोग प्रतिदिन शाम को आरती और भजन की ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और यहाँ के लोगों से बात करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। आपका परिचय? सुरेंद्र कुमार लाल, सामाजिक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी बेंगाबाद, भावी मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, भावी प्रधानमंत्री भारत सरकार, भावी राष्ट्रपति भारत सरकार। जी, यहाँ का जो बेंगाबाद में पूजा किया जाता है लगातार इन दिनों, इसके बाद क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? राजकिशोर राम, बेंगाबाद। जी, मैं सार्वजनिक दुर्गा पूजा से बोल रहा हूँ। जी, यहाँ पर वैष्णवी पूजा प्रत्येक साल होती है और इस साल भी यहाँ पर धूमधाम से पूजा मनाने की तैयारी चल रही है और शांति बनाए रखने के लिए यहाँ के वॉलंटियर लोग सभी साथ देते हैं। यहाँ समिति हर प्रकार की व्यवस्था करती है और पूजा विसर्जन खत्म होने के बाद एक दिन भंडारा, खिचड़ी का भंडारा होता है और लोग यहाँ 10 गांव के लोग यहाँ पर भंडारा में खाने के लिए सम्मिलित होते हैं प्रसादी के रूप में। मंदिर के बारे में विशेषता क्या कुछ बताएंगे? मंदिर में यहाँ जो भी मन्नत मांगते हैं मन्नत पूरा होता है। यहाँ पर अभी 10 साल तक डाक का व्यवस्था है, 10 साल तक अभी नंबर लगा हुआ है। एक मेन डाक जो देते हैं उन्हीं के वो जो है सो पूजा समिति के मेन डाक जो देते हैं और वही मेन डाक प्रत्येक साल यहाँ पर चढ़ता है। जी, धन्यवाद। राजेंद्र राम है जी, बेंगाबाद। ये वर्षों से 1960 की पहले से यहाँ दुर्गा पूजा हो रही है और पहले खपड़ेल का था मंडप और जब कमेटी ले लिया इसको तो हम लोग आज इसको वैभव रूप लिए हैं और पक्का बना दिए हैं। कमेटी से पूर्व कौन देख रहे थे इस मंदिर को? कमेटी दे दिया, जैसे यहाँ चल रहा था तो कमेटी को सौंप दिया गया। तो यहाँ बाजार समिति चला रही थी क्या? आई पंडित जी बता रहे थे कि यहाँ कोई बाबू यहाँ संचालक थे। जी जी, वो कौन थे? वो थे रंजक, थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जी जी, और उन्हीं के द्वारा कुछ दिन चला, इसके बाद भी कमेटी में सौंप दिया। जी, धन्यवाद। कमेटी जब बना तो बहुत विस्तार से हम लोग इसको किए, विस्तार किए, बहुत भीड़ भड़का होता है। आज बेंगाबाद भाव मंदिर के रूप में जाना जाता है, क्या कुछ इसमें है? भाव मंदिर की जगह माना जाता है और मन्नत भी मांगने से पूरी होता है
और लोग तांता लगा हुआ है इसमें, मैं डाक और इसको देने के लिए बहुत बड़ा भीड़ भी है और भीड़ लगती है और वर्षों से चला रहा है, बहुत सिलसिलेवार से ये चलाते हैं हम लोग कमेटी। चलिए धन्यवाद पंडित जी। जी नमस्कार, अभी तक हम लोग देख ही रहे थे और हमारे बीच पंडित जी से बात करें यहाँ के बारे में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी पंडित जी नमस्कार, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल किशोर पाठक है। जी यहाँ का जो पूजा कर रहे थे काफ़ी लोग जागरूक है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए इनकी कहानी, ये माता जगदम्बा जो है महामाया आदि शक्ति, इन्हीं के प्रेरणा से यहाँ पर दुर्गा पूजा नहीं होती। हमारे बैंगाबाद प्रखंड के एक रेंजर आए हुए थे जिनके के एम बक्सी नाम था, वो व्यक्ति को 6-7 लड़कियाँ हो गई, लड़के नहीं हुए थे, किन्हीं से मार्गदर्शन उनको मिला और भगवती आकर के कही, उनकी पत्नी बहुत धर्म देवी थी, 12-1 बजे तक पूजा करने के बाद भोजन करती थी, उनको जा कर के बोली एक बूढ़ी रूप में कि माँ तुमको क्या चाहिए? बोली वो तो सीधी थी, बोली हम मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या हमारी ज़रूरत है वो आप दे दीजिए। उसके बाद वो विलीन हो गई। अब उन्हीं के प्रेरणा से फिर यहाँ भगवती को 1960-61 में प्रेरणा से यहाँ भगवती को तिरपाल लगा करके माँ भगवती का पूजन प्रारंभ बक्केयन बक्षी के द्वारा यहाँ पर प्रारंभ हुई। उसके बाद कुछ दिन करने के बाद वो कमेटी को सौंप दिए और इस बेंगाबाद क्षेत्र में कहीं मूर्ति नहीं उठता था और न जो सो कहीं मैंने मेला लगती थी। चकरदहा पंचायत मांजोरी में सब बैलगाड़ी से सब जाते आते थे। अभी भगवती की कृपा से सब जगह माँ दुर्गा का प्रतिमा प्रतिष्ठित हो गई है, सब जागरूक हो गए हैं, वो चीज की कमी नहीं रह गई है। ऐसी स्थिति में वो कमेटी को दे दिए, वो शायद कहीं दूसरे जगह ट्रांसफर हो गई, वहीं पर उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ क्योंकि उनका नाम शिव शक्तिनाथ बक्षी रखा गया। वह जो सो यहाँ अभी के एम बक्षी महाविद्यालय कॉलेज बनाए हुए हैं और एक बहुत महान व्यक्ति हैं और बहुत आदर्श व्यक्ति हैं, धर्म में अभिरुचि उनकी ज़्यादा रहती है और ऐसी स्थिति में पूजन के साथ उनका सक्रिय सहभागिता बनी रहती है। और यहाँ शुरू में हमारे पिता श्री स्वर्गीय दशरथ पाठक थे और मैंने मुख्य प्रतिनिधि और पुरोहित के रूप में, उसके बाद अर्जुन दुबे आचार्य थे, उनकी कमी कमजोरी होने के बाद मैं कटरा राजबाड़ी में आचार्य रहा, नीलोरी स्थान का सरकारी पंडा था, वहाँ से कमेटी के द्वारा मुझे बुलाया गया, मैं उसके बाद से यहाँ पर वहाँ की सेवा में बराबर संभाल रहा हूँ। यहाँ से हमारी कम से कम 50 वर्षों से ऊपर माँ की सेवा में हो गया है और अभी मैं माँ की सेवा में बराबर संभाल रहा हूँ यहाँ से हमारी कम से कम 50 वर्षों से ऊपर माँ की सेवा में हो गया है और अभी मैं माँ की सेवा उनकी कृपा से मैं कर रहा हूँ। यहाँ के ग्रामीणों को काफ़ी कुछ कहना है कि यहाँ पर जो मनोकामना मांगा जाता है वो पूर्ण किया जाता है, क्या है? इसलिए कि यहाँ जागरूकता हो गई है, यहाँ पर बराबर 12 महीना शाम में भजन कीर्तन मैया के दरबार में कम से कम 1 घंटा रोज लोग भक्त लोग यहाँ करते हैं भक्त मंडली। उसके बाद तो ये तो रूपांतर होते होते आज धर्मशाला वगैरह सब बन गई है, पहले कुछ नहीं था, नीचे सोते थे, मटिया घड़िया खाना बनाते थे, लेकिन आज भगवती की असीम कृपा से इनकी मैंने इच्छा से यहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं रह गई है और आस्था सबों की जगी हुई है और जिस तरह से आस्था लोगों की जगी हुई है माँ के प्रति, उस तरह से माँ सभी को जो सो श्रद्धावान को जो चाहता है वह पूरा कर देते हैं। संस्कृत में कहा गया है कि जंग जंग चिंतके काम तंग तंग प्राप्ति निश्चित, जो मैया भगवती महामाया शक्ति को जो सच्चे हृदय से स्मरण नमन भक्ति श्रद्धा से पूजन करता है उनके लिए भगवती सदा सदा के लिए उनके लिए आभार करती रहती हैं, किसी को चीज की कमी रही नहीं होने देती। ठीक, इसके लिए अभिनंदन करता हूँ कि माँ की आस्था आप लोगों के ऊपर भी बने रहे और जागृति होते रहे, यही मेरा। जी अभी पंडित जी से बात कर रहे थे, पंडित जी काफी कुछ बताया कि आज अगर देखा जाए बेंगाबाद मुख्यालय का पहले की स्थिति से अभी की स्थिति काफी बदलाव आया गया है और यहाँ की
लोगों की भक्ति और माँ का आशीर्वाद का ही रंग का असर है। ये पंडित जी का कहना है और यहाँ कुछ ग्रामीणों से बात करेंगे। धन्यवाद।